प्रश्नावली 5.3। अभी तक हमने बताया था यन पदों का योग, यन पदों का योग कहाँ बताएं? अभी तक हमने बताया कौन चीज, यनवा पद, यनवा पद ज्ञात करना, ये पद ज्ञात करना, पहला पद यन का मान यानी पदों की संख्या ज्ञात करना, और कौन कौन सी था, सार्वंतर ज्ञात करना। लेकिन अब आ रहा है पदों का योग ज्ञात करना। देखो समांतर श्रेणियों में पदों का योग निकालना, कैसे कैसे निकाला जाएगा योग? तो योग का हम फार्मूला शुरुआत में ही बता दिए थे, SN बराबर सम ऑफ n टर्म्स बताए थे ना फार्मूला, ये होता है SN बराबर n बटे दो ये प्लस यल, ये फार्मूला बताए थे। ये फार्मूला तब लगेगा जब हमको अंतिम मान पता हो, यल का मान। इसमें देखो यल का मान पता है, नहीं पता है। इसमें कह रहा है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक इसमें यन का मान दिया, 10 पद, लास्ट पद नहीं दिया है। इसमें लास्ट पद कहीं नहीं दिया है, देखो लास्ट पद नहीं दिया कहीं पर। जैसे 2, 7, 12 इसे लास्ट में करते करते अंतिम मान दिया होता तब लास्ट पद दिया रहता, तो लास्ट वाला यहाँ रख देते, प्रथम वाला रख देते, टोटल पदों की संख्या रख देते, हल कर लेते, आ जाता। तो जब यल का मान ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? SN बराबर n बटे दो, तब लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। मतलब कि l का वही सूत्र रख देंगे बस, l का सूत्र रख के देखो भी आ जाएगा n बटे दो। l का क्या फार्मूला होता है? ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये और ये बनकर 2a हो जाएगा, ये मिल करके तो n माइनस 1 इंटू डी, देखो वही फार्मूला बन गया। मतलब l का वही an वाला फार्मूला रख देंगे, फिर ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। अब मान रखो इसमें ये का मान कितना दिया है, 2, d का मान 7 में से 2 घटेगा 5, और 10 पदों तक मतलब n का मान दिया है 10, सभी मान को रख दो यहाँ, तो n का मान हो जाएगा 10 बटे 2, 2 गुड़े ये का मान 2, n का मान 10 माइनस 1, d का मान हो जाएगा 5, तो ये 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो ये 5, 2 दुनी 4 प्लस ये 9 गुड़े 5, तो कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 9 बजे 45, तो ये 5 गुड़े 45 4 49, 5 9 45, 5 24 4 24, 245 आ गए ये फल। बस दूसरा देखो -37, -33, -29, ये कह रहा है 12 पदों तक ये फल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका 12 पद तक कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका। पहला नंबर तो ये लिख दो, इसका ये कितना होगा -37, डी कितना होगा -33, -37, तो -33 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब इसको घटा दो कितना बचेगा, 4 बचा, तो ये 4 बच गया। तो मान रख दो, और n का मान दिया 12, तो फार्मूला है SN बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब SN यहाँ n का भी मान रखना चाहिए, वैसे ES 12, तो न रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 बटे 2, 2a ये का मान है -37, इसको ब्रैकेट में तुरंत कर देंगे, माइनस वाला कभी भी आए तुरंत ब्रैकेट। n का मान है 12 माइनस 1, और d का मान कितना है 4, अब इसको सॉल्व कर दो, 2 6 12, इसको गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 3 6 7, -74, और ये प्लस 12 में से 11 11 से 44, तो इसको माइनस करो, 7 में 4 में से 4 गया 0 7 में से 4 गया 3, तो 6 3 18 -180, ये आ गया -180 इसका योग। देखो तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, ये सब पदों तक योगफल निकालना है, तो इसमें ये का मान कितना होगा 0.6, डी का मान कितना होगा 1.7 -0.6, तो 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, 1.1 आया, और एन का मान दिया है 100, बस मान रख दो SN एन माने 100, डायरेक्ट मान रख रहे हैं इसमें 100 बटे 2, 2a ये का मान कितना है 0.6, और प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1, और d का मान ये थोड़ा लंबा आएगा, ये मान इसका, इसको गुणा कर दें, ये कितना आएगा 50 आएगा, ये 0.6 का 2 से गुणा, 6 2 12, 1.2, 100 में से 1 99 गुणे 1.1, तो ये 50 1.2 प्लस 11 का 99 से गुणा, 11 9 99, अब 11 9 99 99 9 108 108,
श्री श्री 108। और ये पॉइंट एक स्थान पर है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब देखो यहाँ 0.2, 0.9, एक एक स्थान पर दशमलव है, आराम से जुड़ जाएगा। तो 9 और 2, 11 बगल में जोड़ दे रहे हैं यहाँ, 9 और 2, 11 हासिल आया, एक दशमलव लगा देंगे। 1 और 1, 2, 2, 8, 10, 1 आया, 1 और 0, 1 और 1, 11 और फिर गुड़े 110.1 आया। अब 50 से गुणा कर दो, तो पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 कन्नम 5, 5 0 0, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 0 है 0 को इसे लगा दो दशमलव एक स्थान पर, यहाँ दशमलव लगा दो, यानी आंसर हो गया 5505 इसका आंसर। देखो चौथा नंबर, ये है 1/15 और डी है 1/12 - 1/15। अब इसका एलसीएम ले लो, 15 12 का एलसीएम क्या होगा, निकालना पड़ेगा ना, इसको निकालो एलसीएम, 60 हो जाएगा। हाँ सही, 12 5 7 15 64 सही है, 60 ही होगा, तो 60 लिख दो इसका, 60 का 12 से भाग, 12 5 60, 15 4 60, मतलब कि 1/60 हो गया डी का मान। एन का मान दिया हुआ है 11 पदों तक, मान रख दो। तो एस एन बराबर, यानी एस 11 बराबर 11/2 और 2a का मान 1/15 प्लस एन माइनस 1 11 - 1 और डी का मान 1/60। तो इसको कुछ ना करो क्योंकि काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ऐसे रहने तो पता नहीं कोई ऐसा मान अभी बीच में मिल जाए कि कट जाए उससे, तो उसको ऐसे रहने दो। ये 2/15 इसको भी वैसे पड़ा रहने दो, प्लस 11 में से एक गया 10, 10 का 60 से काटेंगे कितना बनेगा, लिख दो इसे, ये भी 10/60 लिख दो इसे, तो 0 से 0 कट गया। और अगर ना काटेंगे तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं तब भी, लेकिन काट दो ठीक रहेगा, छोटा हो जाएगा मान। तो ये आ गया 11/2 और ये 2/15 और प्लस 1/6, तो 11/2 एलसीएम ले लो कितना आएगा इसका, 30 आएगा, 15 × 30 = 36, तो 15 × 30 और 2 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/2 × 4 = 9/30। तो इसको काट दें यहीं पर, 3 × 2 = 30 और 3 × 3 = 9, तो 11 × 3 = 33/20 ये होगा इसका योगफल। ये दूसरा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, इसमें भी सेम वही काम करना है, लेकिन इसमें लास्ट का पद दिया है, आसान है ये, देखो इसमें लास्ट पद दिया है, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, इसमें यन का मान नहीं है, तब कुछ ना कुछ कमी रहेगा क्वेश्चन में ना, इसमें यन का मान निकालना पड़ेगा तब ये लास्ट पद काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। हाँ नहीं तो बहुत छोटा, अगर यन का मान दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, यन बटे दो ये प्लस यल बस, लेकिन यन का मान नहीं है, तो इसमें यन का मान निकालने के लिए हमको लास्ट वाला उपयोग करना पड़ेगा। तो ये का मान कितना दिया है, 7, डी का मान 10 2 2 = 20 = 21, यानी 21/2 - 7, इसको हल करो, 2 × 14 = 14, 21 में से 14 कटेगा तो कितना बचेगा, 7 7/2, ये डी का मान आ गया। और एल का मान दिया 84, तो पहले ही एन का मान निकाल लो, तो क्या होगा एन का मान, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, तो एल का मान दिया 84, ए का मान दिया 7, एन का मान हमको निकालना है और डी का मान 7/2, तो 7 आकर घटेगा 84 में से, अब बराबर एन माइनस 1 × 7/2, तो 14 में से 7 गया 7, ये बचा 7, तो एन माइनस 1/2 और ये गुड़े 7 से कट जाएगा, 11 आ गया, तो 2 गिरहियाँ 22 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 जुड़ेगा यानी कि 23, अब मान रख दो आराम से आ जाएगा एस एन बराबर। तो फार्मूला क्या होता है योगफल का, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, एन का मान आ गया 23 और ए का मान कितना दिया हुआ था, 7, और एल का मान 84, तो 23/2 जोड़ दो इसको, 7 4 11 8 1 9 91, अब 91 को 23 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 से भाग, तो 91 का 23 से गुणा, 3 × 9 = 27, 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 18, ये आ गया 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2, ये आ गया 2093/2, अब 2 से चाहो काट दो चाहे ऐसे रहने दो पड़ा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
अगर काटेंगे तो क्या आएगा, दो कन्नम दो जीरो, दो चौक आठ एक नौ, दो छक बारह एक तेरह, दो पंचे दस, ये आ जाएगा 1046.5 योगफल। बटे में लिखना चाहें तो बटे में भी लिख सकते हैं। दूसरा 34 है ये का मान, डी का मान है 32 माइनस 34 कितना आया, माइनस दो, उसके बाद यल का मान कितना आ गया 10। ये सब माना गया पूरा, इसमें यन का मान नहीं पता है, तो यल बराबर ये प्लस यन माइनस वन इंटू डी। एल का मान है 10, ये का मान है 34, यन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस दो, तो 34 इधर आ जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू माइनस दो तो घटाओ तो कितना आएगा माइनस 24, और ये यन माइनस वन इंटू माइनस दो, तो दो से काट दो इसको 12 आया, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यन माइनस वन बराबर 12, तो यन बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13, 13 आ गया यन का मान। अब मान रख दो एस एन बराबर यन बटे दो यानी 13 बटे दो, ए प्लस यल, ये का मान 34 और यल का मान कितना है 10, तो 13 बटे दो 34 10 44 कट गया 22 आ गया, तो 13 × 22 13 × 26 दो 28 286। देखो तीसरा नंबर, ये बराबर माइनस 5, डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8 और माइनस माइनस 5, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये माइनस 3 आ गया, डी का मान आ गया, एल का मान कितना आएगा 230, माइनस 230 आ गया। अब इसमें किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए, तो माइनस 230 बराबर ये प्लस ये है माइनस 5, एन माइनस 1 और डी कितना आया है माइनस 3, तो माइनस 5 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस 5 होगा, और ये एन माइनस 1 और माइनस 3 घट जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, ये 2 और ये 2 माइनस 225 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, 3 से काट दो इसको, तो 3 सतह 21 एक 22 3 बजे 15, ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर 75, एन बराबर कितना बनेगा 76, एक जाकर जुड़ जाएगा 76 हो जाएगा। अब निकाल लो एस एन का मान, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे दो मतलब 76 बटे दो, ये प्लस यल, ये कितना है माइनस 5, यल कितना है माइनस 230, इसको दो से काट दें, दो तिहाई 6 7 2 8 16, तो ये 38 माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस 230, तो ये 38 दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 235। अब गुणा कर दो, बहुत बड़ा गुणा होगा ये, तो 235 का गुणा 38 से, 8 पंचे 40, अब 8 तेईस 24, 4 28, अब 8 दुनी 16 दुई 18, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10, 3 दुनी 6 1 7 0, 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, ये आ गया माइनस 8930। देखो इसका पाँचवा वाला सेम उसी तरह का सब है क्वेश्चन, पाँचवा क्या डी बराबर 5 यस 9 बराबर 75 दिया है, तो ये और ये 9 का मान ज्ञात करना है, इसको कैसे निकालेंगे इसको, देखो डी बराबर दिया हुआ है, इसको अलग कर दें, इसमें डी बराबर दिया है 5 और यस 9 दिया है, लेकिन 9 पदों का योग दिया है 75, और ये 9 का मान बताना है, ये और ये 9 का मान, ये दो चीज़ें बताने हैं हमको, ठीक है इसको कामा लगा दें, तो इन दोनों का मान बताना है कैसे लिखा जाए, ये और ये 9 का मान कैसे आए, तो पहला नंबर तो उपयोग करेंगे हम यस 9 का उपयोग करेंगे, यस 9 का उपयोग करें तो ये कुछ आ सकता है मान, तो यस 9 बराबर क्या होगा, यहाँ से लिखें यस 9 बराबर एन बटे दो, एन का मान है 9, तो ये 9 बटे दो हो जाएगा, और ये प्लस, तो ये प्लस लगाएंगे तो एल वाला भी दिक्कत करेगा ना, एल भी तो नहीं है, हमको ये 9 निकालना है तो लग भी सकता है, लेकिन ये का मान रहेगा तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा, तो इसको 2a प्लस कर दें, 2a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 9 इंटू डी, ये डी का मान दिया है 5, इतना हमने रख दिया, अब यस 9 का मान भी तो दिया 75, उसको रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9 बटे 2 और 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 पंचे 40, 75 दो से गुणा कितना आएगा
150 आएगा, तो ये काट दो चाहे कुछ, 3 3 9 और ये 3 2 6 1 7 3 5 15 ये कट गया। अब 25 2 50 अब ये बन जाएगा 50 बराबर, 3 अंदर गुणा कर दें तो 3 2 6 ये और प्लस 3 4 12 120 बन जाएगा, ये 120 चला आएगा 50 के पास, तो ये बन जाएगा 6 ये बराबर 50 माइनस 120, तो कितना होगा ये घटाने पर -70 आएगा, तो 6 ये बराबर -70, तो ये बराबर आ जाएगा -70/6। काट दो इसको, 6 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, पूरा नहीं खाली 2 से कटेगा, तो 2 3 6 और ये 35, तो ये का मान आ गया -35/3, ये हो गया ये का मान। इसका मान ये 9 का मान निकालना है, तो ये 9 निकाल दो, 9 तो ये 9 का मान कितना होगा, ये प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 × d, तो ये का मान तो पता है अभी कितना आया, ये का मान -35/3 आया है, और प्लस n 9 में से गया 8 और d का मान दिया हुआ है 5। अब इसको सॉल्व कर लो, -35/3 और प्लस 8 5 40/1 हो जाएगा ये, तो -35 जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 का 3 से भाग 1 1 का 35 से गुणा 35 माइनस में, और 3 का 1 से भाग 3 आएगा और 40 से गुणा 120 घट जाएगा ये, 10 में से 5 गया 5 ये बचा 1, तो 11 बनेगा, 11 में से 3 गया 8 85/3 ये भी कटेगा नहीं, तो बस हो जाएगा यही आंसर, ये 9 बराबर हो जाएगा 85/3 ये आंसर हो गया। अब देखो छठवां वाला, छठवां ये का मान दिया है 2 और डी का मान 8, डी का मान 8 हो गया और SN बराबर 90, तो N और AN का मान निकालना है, N और AN तो सबसे पहले कौन सा सूत्र लगा दें, पहले वही लगेगा SN बराबर 90 वाला, तभी आप आएगा, तभी पहले उसी को लगा दो, लेकिन उससे भी दिक्कत पड़ सकता है, लेकिन N तो आ जाएगा, उससे दिक्कत क्या पड़ेगा, N का मान आ जाएगा उससे, तो फार्मूला लगा दो यही वाला, तो लिख देंगे SN बराबर N/2 और ये प्लस L नहीं रखेंगे क्योंकि हमको ये का L का मान पता ही नहीं है, तो पूरा फार्मूला रखना पड़ेगा, 2A+N-1 × d। अब मान रख दो SN का मान दिया है 90, यहाँ 90 रख देंगे, N का मान हमको नहीं पता है, और 2A कितना है ये का मान 2 दिया है, N का मान हमको नहीं पता है, D का मान 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये लग रहा है कि द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो 90 का ये 2 से आकर गुणा हो जाएगा, अच्छा यहाँ ना गुणा करें तो अंदर गुणा कर दे तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे पड़ा रहने दो, N/2 ये 2 2 4 प्लस N-1 × 8, और 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये 2 2 4 2 6 8 कट जाएगा ये भी, अच्छा अंदर से कामन ले लें, 4 को कामन ही ले लो, तो जब कामन लेंगे तो क्या आएगा, 4N/2 यहाँ बचेगा 1 प्लस N-1 4 2 8 2 बचा, अब 2 × 2 2 2 4 यहाँ 2 बचा, 2 से ये 90 कट जाएगा, तो हो गया 45, मतलब कि आ गया 45 बराबर N और ये 1 प्लस, अब 2 से अंदर गुणा करा दें तो 2N और ये -1 से गुणा -2, तो ये 45 बराबर N, 2 में से घटेगा -1 तो ये बनेगा 2N-1, अब N से फिर गुणा करा दें तो N से गुणा कराएंगे तो 2N² अब -N हो जाएगा ये। अब 45 को भी उधर भेज दो, तो 45 को भेजेंगे उस तरफ तो क्या आएगा, 0 = 2N² - N - 45, इसको पूरा पलट देंगे मान को, तो पलट देंगे तो आएगा 2N² - N - 45 = 0। अब गुणनखंड कर लो इसका, दिखा समीकरण आ गया, अब तो 45 का 2 से गुणा 90, 90 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर N आ जाए, यानी 1 आ जाए, 10 9 90, तो ये हो जाएगा 2N² - -10N, और माइनस में है तो एक माइनस दूसरा प्लस, अब बड़ा वाला माइनस रहेगा तभी ये -N आएगा यहाँ पर, तो -10N और प्लस हो जाएगा 9N - 45 = 0, तो इसमें 2N कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 5 10 और इसमें 9 कामन हो जाएगा तो N-9/45, तो अब कितना कामन होगा, N-5 कामन है तो यहाँ N-5 कामन कर लेंगे तो बचेगा
टू एन प्लस नाइन बराबर ज़ीरो। तो इसमें एन का मान कितना कितना आएगा, एन के दो मान आएंगे, एक तो एन माइनस पाँच बराबर ज़ीरो यानी एन का मान आ गया पाँच, और दूसरा एन का मान आ जाएगा माइनस नौ बटे दो। तो माइनस में एन होता नहीं है, तो एन का मान पाँच आ जाएगा, जो एन में निकालना था वो पाँच आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, ए एन का मान। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये का मान कितना आया है, ए का मान तो दो दिया है और एन माइनस वन, और डी का मान आठ। हमको एन का मान पाँच नहीं रखना है क्योंकि ए एन ही तो निकालना है। अगर ये फाइव का होता तो एन की जगह पाँच रखते, एन का मान कुछ नहीं रखेंगे, वैसे रहेगा सादा ही। तो इसको लिखेंगे टू प्लस आठ को लाकर गुणा कर देंगे तो एट एन, और माइनस आठ का एक से गुणा माइनस आठ, तो ये हो जाएगा एट एन माइनस आठ में, आठ में से दो घटेगा तो छः। बस ये एन का मान सिर्फ इतना ही होगा। अब अगर इसमें ये फाइव निकालना चाहें तो इसे एन की जगह अगर पाँच रख देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ये फाइव, तो आठ गुणे एन की जगह हो जाएगा पाँच माइनस छः, तो आठ पंचे चालीस माइनस छः कितना बचेगा चौंतीस। तो ये हो जाएगा ये फाइव का मान चौंतीस। तो ए एन का मान इतना होगा और ये फाइव का मान इतना हो जाएगा। बस इसको बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन। सातवां लिखा ए बराबर आठ, ए एन बराबर बासठ, एस एन बराबर दो सौ दस। तो ए एन और डी का मान ज्ञात कीजिए, कोई ज़्यादा खास है नहीं, लग जाएगा आसानी से इसे। तो पहले ए एन बराबर लगा देंगे बासठ वाला फार्मूला। क्या होता है, ए एन बराबर बासठ का पहले लगा दो तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर बासठ। तो ये का मान दिया हुआ है आठ, तो जब ये का मान दिया तो उसको रख दो। तो यहाँ रख देंगे आठ प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर बासठ। आठ चला जाएगा दाईं ओर, तो एन माइनस वन इंटू डी बराबर बासठ में से आठ घट जाएगा, तो कितना बचेगा, बारह में से आठ गया चार और ये पाँच, ये चौवन बचा। इसको ऐसे लिख दो पहला समीकरण मान करके। अब उसके बाद में एस एन लगा देंगे, तो एस एन का क्या होगा, यहाँ इसको लिख दे रहे हैं एस एन बराबर दिया है दो सौ दस। इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, और जब अंतिम पद नहीं दिया है तो पूरा लंबा विधि, लंबी फार्मूला क्या रहेगा, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 210। अब ये दो जाकर वहाँ गुणा हो जाएगा, उसको भेज दो उधर। अब एन का मान दिया है, नहीं दिया ना एन का मान, ये भी नहीं दिया है, तो टू ए का मान दिया हुआ है आठ, तो आठ दुन्नी सोलह हो जाएगा, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दो जाकर यहाँ गुणा होगा तो 420 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एन माइनस वन इंटू डी बराबर चौवन दिया है, यहाँ भी एन माइनस वन इंटू डी लिखा है, तो वहाँ से पूरा मान उठाकर इसकी जगह रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से एन माइनस वन इंटू डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ रख दो ला करके, तो एन तो वही रहेगा और 16 भी वैसे रहेगा, और एन माइनस वन इंटू डी इसकी जगह कितना आ जाएगा चौवन, अब बराबर हो गया 420। अब जोड़ दो इसको, कितना बनेगा जोड़ने पर, छः चार दस, पाँच एक छः एक सात, सत्तर आया बराबर 420। काट दो इसको, जीरो से जीरो कट गया, सात छः बयालीस, मतलब एन बराबर आ गया छः। देखो एन का मान मिल गया आसानी से। अब किसका मान चाहिए हमको, डी का मान चाहिए, तो इस एन का मान रख दो उसी में, डी का मान आ जाएगा। लिख देंगे एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह छः माइनस एक और डी बराबर चौवन, तो छः में से एक गया पाँच, पाँच डी बराबर चौवन, तो डी बराबर चौवन बटे पाँच। अब ये तो कटेगा नहीं, बस इसको ऐसे छोड़ दो। अब दशमलव में लाना चाहे तो ले आओ, नहीं बस इतना सही है। देखो आठवां ध्यान से देखना इसको, बहुत बढ़िया ये भी सवाल है। आठवां दिया हुआ है ए एन बराबर चार, डी बराबर दो, एस एन बराबर माइनस चौदह, तो एन और ये का मान ज्ञात कीजिए। तो ए एन का मान दिया चार, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, चाहे तो रखो या ना रखो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब फार्मूला रख देंगे तो हो सकता है आगे कहीं काम दे दे। तो इसका फार्मूला रख दो, ए एन बराबर चार दिया है, तो ए एन का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर चार, तो डी का मान दिया है दो, तो यहाँ दो रख दो, तो ए प्लस
एन माइनस वन इंटू टू बराबर फोर, इस ये हो गया पहला समीकरण, इसको यहीं रोक देंगे। अब रखेंगे इसका एस एन का क्या होगा, हम सोचिए कहीं गलत लिख दिए, एस एन का रख दो मान आप, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस चौदह, तो इसमें क्या फार्मूला रखेंगे एन बटे दो, चाहो तो ए प्लस एल भी रख सकते हैं इसमें, ए प्लस एल इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ए एन दिया है ये एल ही है, यहाँ एस एन का मतलब यनवा पद, यन पद का योगफल, और ये दिया यनवा पद, तो जब यल पद का योग दिया है और यनवा पद ये है तो इसका मतलब अंतिम पद नहीं है, ये लास्ट में है यही चीज़। अगर यहाँ पाँच होता यहाँ पाँच होता तो समझो कि लास्ट वही होता, जब दोनों सेम होते हैं यन के मान तो वही पद हो जाता है ये, तो ए प्लस और यल की जगह रख देंगे चार को, तो यहाँ भी यल लिख दो बराबर माइनस चौदह, तो यहाँ यल भी ऐसे लिख दे बराबर करके, कि ताकि ये यल का मान और एन का मान दोनों है ये, तो एन बटे दो ये प्लस यल का मान कितना हो जाएगा चार बराबर माइनस चौदह, इसको मान ले दूसरा समीकरण, तो यहाँ से ये का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा चार के इधर, तो ये बनेगा ये बराबर चार और माइनस एन माइनस वन इंटू टू। अब इस ये के मान को उठाकर रख देंगे समीकरण दो में, लिखेंगे ये का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दो जाकर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस चार और माइनस अट्ठाईस, ये इतना बन जाएगा ये, तो इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा एन, ये की जगह मान हो जाएगा चार माइनस एन माइनस वन इंटू टू, अब प्लस फोर है प्लस फोर को लिख दो और बराबर माइनस अट्ठाईस। अब इसको सॉल्व कर लो बस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फोर माइनस दो से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा टू एन, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा टू और प्लस फोर बराबर माइनस अट्ठाईस। इसको और सॉल्व करेंगे भी, तो चार और चार ये बना आठ, आठ हो ये दो दस, तो दस माइनस दो एन और बराबर माइनस अट्ठाईस। इसमें दो कामन भी है, जब दो कामन कर लेंगे तो बनेगा टू एन, ये बन जाएगा पाँच माइनस एन और बराबर माइनस अट्ठाईस, दो से कट जाएगा फिर माइनस चौदह वही बचेगा मान, तो एन से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा फाइव एन, इसको लकीर खींच दें, तो फाइव एन माइनस एन स्क्वायर और चौदह को उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस चौदह बराबर जीरो, तो माइनस एन स्क्वायर चिन्ह बदल देंगे तो प्लस एन स्क्वायर, और ये प्लस फाइव एन है तो माइनस फाइव एन, और ये प्लस है तो माइनस चौदह बराबर जीरो। अब इसका गुणनखंड कर लो, चौदह का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर पाँच आए, ये इतना आया समीकरण, इसका गुणनखंड कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर कितना, सात दुनी चौदह, सात में से दो गया पाँच, तो माइनस सात एन और प्लस दो एन और माइनस चौदह बराबर जीरो, तो एन कामन है इसमें तो हो जाएगा एन माइनस सात, इसमें दो कामन है तो एन माइनस सात बराबर जीरो, तो एन माइनस सात कामन हो जाएगा तो बचेगा एन प्लस दो बराबर जीरो, तो एन का मान कितना मिला सात और एन का मान माइनस दो, तो यही प्लस वाला ही मान होगा, तो एन का मान तो सात आ गया। अब इस ये एन के मान को कहीं रख दो फिर ये का मान आ जाएगा, इसी में रख दें इसी में, तो लिख देंगे एन का मान सात और ये प्लस चार बराबर माइनस अट्ठाईस, तो सात का नम सात, सात चौक अट्ठाईस, तो ये प्लस चार बराबर हो जाएगा माइनस चार, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस माइनस चार, तो कितना बनेगा ये बराबर माइनस चार माइनस चार, तो ये बराबर हो गया माइनस आठ, ये होगा इसका आंसर। बस देखो नवा, देखा ये बराबर तीन, एन बराबर आठ, एस बराबर एक सौ बानवे, तो डी ज्ञात कीजिए, हमें लग रहा है कि सिंपल ज़्यादा है शायद ना, ये मान रख के देखो पता चल जाएगा, एस एन यही रखा जाएगा, एस बराबर ही, एस बराबर एक सौ बानवे ही रख दो, तो पहले सभी का मान लिख दें क्या क्या दिया है, ये का मान तीन दिया है, एन का मान आठ और एस बराबर दिया है एक सौ बानवे, तो इसमें डी निकालना है हमको, तो एस बराबर फार्मूला रख दो क्या रखा जाए, ये प्लस एल रख नहीं सकते क्योंकि एल का मान नहीं दिया इसमें, तो रखा जाएगा एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एस का मान कितना दिया है एक सौ बानवे, तो यहाँ रख देंगे एक सौ बानवे, और एन का मान आठ, तो यहाँ आठ रख देंगे, आठ बटे दो टू ए की जगह तीन, एन की जगह आठ, डी हमको निकालना है, ये लग रहा है कि वो सिंपल है, खाली कैलकुलेशन कर देंगे आ जाएगा, ये दो कन्नम दो, दो चौक आठ,
तो कितना आया 192 बराबर 4 और ब्रैकेट के अंदर 3 दुनी 6 प्लस 70 8 में से गया 7 ये डी 192 4 से कटेगा कट जाएगा साहब 4 से कट जाएगा 4 कटम 4 ये 4 चौक 16 3 बचा 4 8 32 ये 48 बराबर आ गया 6 प्लस 7 डी 6 आ जाएगा बाई ओर तो 48 माइनस 6 बराबर 7 डी घटाएंगे तो कितना बचा 42 बराबर 7 डी 7 6 42 तो डी बराबर कितना आ गया 6 सिंपल था ना ये क्वेश्चन। ये दसवां नंबर देखो दसवां क्या है एल बराबर 28 यस बराबर 144 कुल 99 पद है तो ये ज्ञात कीजिए ये भी उसी तरह से है ये भी सिंपल ही है इसमें एल का मान दिया है 28 यस दिया है 144 और कुल पद यानी एन बराबर 9 तो इसमें ये का मान निकालना हमको सभी का मान दिया हुआ है तो यस वाला रख दो मान बस यस वाला फार्मूला। अच्छा ये प्लस एल भी तो इसमें रख सकते हैं सभी मान दिया हुआ ये प्लस एल रख दो तो यस बराबर एन बटे 2 ये प्लस एल तो यस का मान दिया 144 एन का मान 9 दिया है ये का मान हमको निकालना है और एल का मान दिया 28 इसमें सभी मान दिए हुए हैं बस काट पीट दो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा 144 कटेगा काट के देखो 9 से 9 का 9 9 से 54 16 आया 2 आकर गुणा हो जाएगा तो 16 दुना 32 ये इधर बचा ये प्लस 28 28 को ले आओ 32 की तरफ तो 32 माइनस 28 बराबर ये कितना बचा बस ये का मान 4 आ गया। अब इसके बाद आ गया चौथा क्वेश्चन चौथा नंबर ही लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए ये पी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए मतलब ये एन का मान निकालना है। अब ये कह रहा है 636 योग योग माने यस का मान यस का मान कह रहा है 636 यानी एस एन बराबर 636 लाना है और इसके लिए इस ए पी के कितने पद लेने हैं कितने पद माने एन का मान हमको बताना है बस रख दो माना जाएगा फार्मूला एस एन बराबर लगा दो एन बटे 2 इसमें ये प्लस एल नहीं लगा सकते क्योंकि एल का मान हमें नहीं पता है अंतिम पद नहीं है इसमें तो पूरा फार्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो एस एन का मान दिया 636 एन का मान निकालना है 2a ये का मान 9 एन माइनस 1 वैसे रहेगा ये दिघात समीकरण बनेगा डी का मान 17 में से 9 गए 8 तो अब ये 2 से चाहे गुणा कर दो चाहे अभी पड़ा रहने दो उधर ही कट जाएगा तो 636 बराबर एन बटे 2 ये 9 दुनी 18 और प्लस ये 8 एन बनेगा और माइनस 8 अभी और इसको सॉल्व कर दें 18 में से 8 गया 10 तो 10 प्लस 8 एन दोनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बनेगा 2 एन बटे 2 और ये 5 और ये 4 एन 2 से 2 कट गया यहाँ है 636 अब एन को अंदर गुणा करा दें तो हो जाएगा 636 बराबर 5 एन और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 एन स्क्वायर 636 को उधर भेज दो तो क्या बनेगा 0 बराबर 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर अब माइनस 636 इसको व्यवस्थित करके बाईं ओर पलट दो फिर से तो व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा 4 एन स्क्वायर और प्लस 5 एन और माइनस 636 अब इसका गुणनखंड कर लो। अभी 636 का गुणनखंड करेंगे और 4 का गुणा करके भी 636 में 4 का गुणा कराएंगे और गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 5 आ जाए करें गुणनखंड इसका तो 4 का तो पहला नंबर हो जाएगा 2 गुणे 2 जो ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर इसका तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब 636 को काटना पड़ेगा हमको 2 तिहाई 6 2 का 2 2 और 16 आएगा 2 का 2 1 बच गया 2 5 10 2 9 18 169 किससे कटेगा 3 से कट जाएगा ना क्योंकि जोड़ के देखो 9 5 14 15 यानी 3 से कटेगा 3 5 15 3 3 9 अब 53 नहीं कटेगा यह अभाज्य संख्या है तो अब जो बचा उसको गुणा कर लो 3 दुनी 6 दुनी 12 12 चौक 48 48 ये 53 ये घटा कर देखो आ रहा है 5 13 में से 8 गया 5
आ रहा है ना पाँच, बन गया आराम से, यानी अभाज्य संख्या बजने की वजह से बन गया बढ़िया से। अभाज्य को छोड़कर बाकी जो अंक है उसको गुणा कर लो अलग, अभाज्य वाला अलग, मतलब कि 53 और 48 आ गया। तो यहाँ 4n² और प्लस 53n और फिर माइनस कितना हो जाएगा 48n माइनस 636 बराबर 0। इसमें क्या कामन है, n कामन करेंगे तो 4n प्लस 53 और इसमें कामन होगा 12, तो 12 चौक 48, तो ये 4n और प्लस ये कितना बचेगा 53, क्योंकि जो जितना यहाँ बचा उतने वहाँ भी बचेगा, ब्रैकेट के अंदर सेम बचना चाहिए। अब गुणनखंड सही हुआ है तो सेम बचेगा ही, तो 4 + 53 कामन कर लो, 4n + 53, अब क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा वहाँ 12 बराबर 0, तो ये 4n + 53 बराबर 0 और ये हो जाएगा n - 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 53 चला जाएगा दाईं ओर, तो -53 अब बटे ये 4 हो जाएगा, ऐसे ही n बराबर ही हो जाएगा 12, तो यही मान होगा, ठीक है, माइनस तो लिया नहीं जाएगा। पाँचवा देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सब मान दिया हुआ है इसमें, देखो प्रथम पद दिया है 4, मतलब ये 5 दिया है, और अंतिम पद 45, योग 400, यस बराबर 400, तो पदों की संख्या n बराबर निकालना है, सार्वंतर d बराबर निकालना है। जब ये और l का मान दिया है तो ये प्लस l वाला फार्मूला रख दो, यस बराबर n बटे 2 ये प्लस l, मान रखो यस का मान कितना है 400, तो यहाँ 400 हो जाएगा, n का मान निकालना है, ये का मान 5, l का मान 45, सॉल्व कर लो इसको, तो ये 400 बराबर n बटे 2 45 और 5 50, काट दो इसको, 25 आया, 25 चलाएगा 400 के नीचे, तो 400 बटे 25 बराबर n, काट दो इसको कितना आएगा 25 का 25 15 बचा 25 छक्का 150, मतलब n बराबर आ गया 16, पदों की संख्या 16 हो गया। अब क्या निकालना है इसमें, सार्वंतर d निकालना है, तो d के लिए l बराबर लगा दो, l बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l का मान है 45, ये का मान है 5, n का मान 16 आ गया, d का मान निकाल लो यहाँ से, तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 40, 16 में से गया 15, 15 से काट दो इसको, 5 × 15 = 40, मतलब d का मान आ गया 8/3, ये आंसर हो गया। छठवां, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, तो प्रथम पद यानी ये का मान दिया 17 और अंतिम पद एल का मान कितना दिया है 350, सार्वंतर 9, डी का मान 9 दिया है, तो इसमें कितने पद हैं, एन का मान बताओ, इनका योग क्या है, यस का मान बताओ, तो सब तो मान दिया है, क्या चाहिए और, इसमें पहले लगा दो एल बराबर, एल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल है 350, ये का मान कितना है, ये 17 दिया हुआ है, और एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 9, अभी से एन का मान आ जाएगा 17, अगर घटेगा 350 में से, और ये एन माइनस 1 इंटू 9, 10 में से 7 गया 3, 4 में से गया 3 और ये 3, 333, 9 से काट दो, 9 × 9 9 × 27, 6 बचा 9 × 63, मतलब कि n माइनस 1 बराबर आ गया 37, तो n बराबर कितना होगा, 1 जाकर जुड़ जाएगा तो 38 हो जाएगा, ये n का मान आ गया। अब s का मान भी निकाल लो इसे, तो s बराबर फार्मूला डायरेक्ट रख रहे हैं, s बराबर n बटे 2, मतलब 38/2, ये प्लस ये 17, l है 350, तो कट जाएगा 19, इसको जोड़ दो 7, 5 × 1 = 6 और 3 = 367, अब 19 से गुणा करोगा 69, इतना आ गया आंसर। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, तो इसमें देखो लिखा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एन का मान दिया है, ये एन का मान 22 और योग ज्ञात करना, योग माने एस एन, ये हमको निकालना है, और d बराबर 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया है, मतलब ये 22 बराबर 149 दिया है, ये इतना दिया है, तो
तो कौन फार्मूला लगाते हैं इसमें? ये बाईस पहले लगा दो, क्योंकि अगर डायरेक्ट एस एन लगाएंगे तो ये प्लस एल तो चाहिए हमको, ये कोई मान है ही नहीं, कोई बहुत बहुत मान की कमी है, तो पहले वही लगाओ, ये बाईस ही, तो पहले लगा देंगे ये बाईस बराबर ये प्लस एन माइनस वन, एन की जगह बाईस माइनस वन और डी, तो ये बाईस दिया है एक सौ उनचास, ये का मान हमको नहीं पता है, बाईस में से गए इक्कीस और डी का मान सात, अब इससे ये का मान निकल आएगा, तो एक सौ उनचास ये गुणा करो सात का नम सात, सात दुनी चौदह एक सौ सैंतालीस, गुणा करके इसको हमने ले आए बाईं ओर बराबर ये, अब घटा दो, घटाएंगे तो ये बराबर कितना मिलेगा, दो ये मिली खाली, ये बराबर मिलेगा ये दो, ठीक है। अब क्या लगा दें एस एन, तो एस एन बराबर एन बटे दो, ये प्लस एल लगा सकते हैं अब हम, ऐसा इसलिए क्योंकि एन बराबर बाईस दिया है, एस एन निकालना है, मतलब कि यस बाईस हमको निकालना है, और यस बाईस में ये बाईस दिया एक सौ उनचास, मतलब कि अंतिम पद यही है, बाईसवां पद क्या अंतिम पद ही तो है, बाईसवें पद है जब उसमें तो अंतिम पद है, तो एस एन यानी यस बाईस, एन की जगह कितना होगा बाईस बटे दो, ये का मान दो आया है, एल का मान एक सौ उनचास, अब इसको सॉल्व कर लो, दो कन्नम दो, दो गिर यहाँ बाईस, तो ये आ गया ग्यारह गुड़े एक सौ उनचास और दो एक सौ इक्यावन, ग्यारह कन्नम ग्यारह, ग्यारह पचे पचपन और एक छप्पन, ग्यारह कन्नम ग्यारह और पाँच सोलह, सोलह सौ इकसठ, आठवां लग जाएगा। देखो आठवां लिखा उस ए पी के प्रथम इक्यावन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः चौदह और अट्ठारह हैं। इसका प्रथम इक्यावन पद का योग निकालना है, तो मतलब हो जाएगा यस इक्यावन, ये हमको ज्ञात करना है, इसमें एन का मान दिया है इक्यावन, ऐसे यहाँ पर भी इसमें दूसरा पद दिया है ए टू चौदह और तीसरा पद दिया है ए थ्री, और बराबर कितना है ये अट्ठारह, ये इतना मान दिया है, तो इसके बीच में हम सार्वंतर निकाल सकते हैं आराम से, आ जाएगा ना ए थ्री में से ए टू घटा देंगे डी मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि दूसरा तीसरा पद तो दिया है, उसके बीच का अंतर ही तो होता है सर्वंतर, क्रमशः आइए, क्रमशः ना होता तो नहीं आता, तो डी बराबर अट्ठारह माइनस चौदह बराबर हो जाएगा चार, ये भी मिल गया हमको। अब डी का मान मिल गया, एन पता है हमको लेकिन ये नहीं पता है, तो ये को भी निकाल सकते हैं, ए टू दिया है तो ए टू ए वन ही तो ये है, तो चार को घटा दो चौदह में से दस, ये हो जाएगा, उसमें सूत्र लगाने जरूरत ही नहीं है, अगर ए वन निकालना चाहें तो ए टू में से हम घटा देंगे डी को, यानी चौदह में से चार घटा देंगे तो कितना आ गया दस, सब मान हमको मिल गया। अब लगा दो एस एन, यस इक्यावन बराबर एन बटे दो, मतलब इक्यावन बटे दो, ये प्लस एल नहीं लग पाएगा, अंतिम पद नहीं दिया इसमें, तो टू ए का मान दस, एन माइनस वन, इक्यावन माइनस वन, डी का मान कितना आया है चार, अब इसको सॉल्व कर लो, तो इक्यावन बटे दो, दस दुन्ना बीस प्लस इक्यावन में से एक गया पचास, पचास का चार से गुणा दो सौ हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो दो सौ, तो इक्यावन बटे दो गुड़े दो सौ और बीस, दो सौ बीस काट दो दो से, एक सौ दस आया, अब एक सौ दस का इक्यावन से गुणा कर देंगे, तो इक्यावन गुड़े एक सौ दस, तो ग्यारह से गुणा करो, ग्यारह कन्नम ग्यारह, ग्यारह पचे पचपन और एक छप्पन, एक जीरो है, जीरो को लगा दो,